बढ़ते हैं आगे चैप्टर 5 की ओर। लेसन 4, टैक्स का इतिहास और कॉर्पोरेशंस की ताकत। मुझे याद है हमें स्कूल में रॉबिन हुड और उनके सुखी गिरोह की कहानी बताई गई थी। स्कूल टीचर का मानना था कि ये केविन कॉस्टनर की तरह ही एक रोमांटिक हीरो की अद्भुत कहानी है, जो अमीरों को लूटता था और गरीबों में बांट देता था। मेरे अमीर डैडी की नजर में रॉबिन हुड हीरो नहीं था, वे उसे बदमाश मानते थे। रॉबिन हुड को गुजरे हुए तो लंबा समय गुजर चुका है, पर उसके फॉलोअर्स यानी कि चेले आज भी जिंदा हैं। कितनी बार मैंने लोगों को ये कहते हुए सुना है कि इसके लिए अमीर लोग पैसे क्यों नहीं देते, या अमीरों को और ज्यादा टैक्स देना चाहिए और उसे गरीबों में बांट देना चाहिए। रॉबिन हुड का ये विचार कि अमीरों से लेकर गरीबों में बांट दिया जाए, इसी रॉबिन हुड सोच के कारण मिडिल क्लास पर टैक्स का इतना भारी बोझ लदा हुआ है। सच्चाई तो यह है कि अमीरों पर टैक्स लगता ही नहीं है। गरीबों की भलाई के लिए जो पैसा लगता है वो मिडिल क्लास से आता है, खासकर पढ़े लिखे और ज्यादा इनकम वाले मिडिल क्लास से। टैक्स के बारे में पूरी तरह से समझने के लिए हमें इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझने की जरूरत है, हमें टैक्स की हिस्ट्री को जानने की जरूरत है। हालांकि मेरे पढ़े लिखे डैडी एजुकेशन के इतिहास पर कमाल का ज्ञान रखते थे, पर मेरे अमीर डैडी टैक्स की हिस्ट्री के एक्सपर्ट थे। अमीर डैडी ने माइक और मुझे ये समझाया कि इंग्लैंड और अमेरिका में पहले कोई टैक्स नहीं लगते थे। कभी कभार जंग का खर्च जुटाने के लिए कुछ समय के लिए टैक्स जरूर लगा करते थे। राजा या प्रेसिडेंट के बस कहने भर की देर थी और हर आदमी उसकी कही हुई बात मानकर अपना सहयोग देता था। ब्रिटेन में 1799 से 1816 से बीच नेपोलियन से जंग के समय टैक्स लगाया गया था, और अमेरिका में 1861 से 1865 के बीच हुए सिविल वॉर के खर्च को जुटाने के लिए टैक्स लगाया गया था। 1874 में इंग्लैंड ने इनकम टैक्स को अपने सिटीजन्स पर परमानेंट रूप से लगा दिया था। 1913 में कॉन्स्टिट्यूशन के 16th अमेंडमेंट के साथ ही अमेरिका में भी इनकम टैक्स परमानेंट रूप से लगा दिया गया। एक समय था जब अमेरिकी लोग टैक्स विरोधी हुआ करते थे। इंग्लैंड और अमेरिका दोनों को ही रेगुलर इनकम टैक्स के विचार को जनता के गले उतारने में लगभग 50 साल का समय लगा। अगर इंडिया की बात करें तो 1857 में मंगल पांडे के समय में जो मिलिट्री म्यूटिनी हुई थी, उसका खर्चा पूरा करने के लिए 1860 में सर जेम्स विलियन ने टैक्स की शुरुआत की थी। इन हिस्टोरिकल डेट से हमें ये नहीं पता चल पाता है कि दोनों ही मामलों में टैक्स शुरू से सिर्फ अमीरों पर लगाए गए थे। अमीर डैडी चाहते थे कि माइक और मैं इस बात को कभी नहीं भूलें। उन्होंने समझाया कि टैक्स का आइडिया पॉपुलर बना और उसे ज्यादातर लोगों ने सिर्फ इसलिए माना क्योंकि उन्हें ये बताया गया कि टैक्स अमीरों को सजा देने और मिडिल क्लास और गरीबों में मदद देने का जरिया है। इसी कारण पब्लिक ने टैक्स लॉ के सपोर्ट में वोट दिए और ये लॉ बन गया। हालांकि इसका मकसद अमीरों को सजा देना है, पर दरअसल ये उन्हीं लोगों को सजा देता है जिन्होंने इसे सपोर्ट किया था, यानी गरीब और मिडिल क्लास। एक बार गवर्नमेंट ने पैसे का स्वाद चख लिया तो उसकी भूख बढ़ती गई। अमीर डैडी ने कहा, तुम्हारे डैडी और मैं पूरी तरह से विरोध में हैं। वो एक गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट हैं और मैं एक पूंजीपति यानी कि कैपिटलिस्ट हूँ। हमें अपोजिट व्यवहार के कारण पैसे मिलते हैं और हमारी सक्सेस अलग अलग स्टैंडर्ड पर तौली जाती है। उन्हें पैसा खर्च करने और लोगों को काम देने के लिए पैसे दिए जाते हैं। वे जितना ज्यादा खर्च करते हैं और जितना ज्यादा लोगों को काम पर रखते हैं, उनका ऑर्गेनाइजेशन उतना ही बड़ा होता जाता है। गवर्नमेंट में जितना बड़ा उनका ऑर्गेनाइजेशन होता है, उतना ही ज्यादा उन्हें सम्मान दिया जाता है। दूसरी तरफ मेरे ऑर्गेनाइजेशन में मैं जितने कम लोगों को रखूं और जितना कम पैसा खर्च करूं, मेरे इन्वेस्टर मेरा उतना ही ज्यादा सम्मान करते हैं। इसलिए मैं गवर्नमेंट आदमियों को पसंद नहीं करता हूं। उनके गोल्स बिजनेस के ज्यादातर लोगों से हटकर होते हैं। जैसे जैसे गवर्नमेंट के एम्प्लॉय बढ़ते हैं, उन्हें सैलरी देने के लिए उतने ही ज्यादा टैक्स की जरूरत होती है। मेरे पढ़े लिखे डैडी इस बात में भरोसा करते थे कि गवर्नमेंट को लोगों की मदद करनी चाहिए। वे जॉन एफ कैनेडी से प्रेम करते थे और खासकर पीस कॉर्प्स के विचार से। वे इस विचार को इतना ज्यादा चाहते थे कि वे और मेरी माँ दोनों ही पीस कॉर्प्स के लिए काम करते थे और मलेशिया, थाईलैंड और फिलीपींस जाने वाले वॉलंटियर्स को ट्रेन करते थे।
वे हमेशा एक्स्ट्रा ग्रांट्स और बजट में बढ़ोतरी की कोशिश करते थे ताकि वे ज्यादा लोगों को भर्ती कर सके। ऐसा वे एजुकेशन डिपार्टमेंट में अपनी जॉब में भी करते थे और पीस कॉर्प्स में भी। ये उनका काम था। जब मैं 10 साल का था तब से मैं अमीर डैडी से ये सुनता आया हूँ कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आलसी चोरों का गिरोह है, और मेरे गरीब डैडी से ये सुनता हूँ कि अमीर लोग लालची और बदमाश होते हैं जिनसे गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स लेना चाहिए। दोनों ही विचारों के पक्ष में तर्क दिए जा सकते हैं। मेरे लिए ये बहुत मुश्किल था क्योंकि एक तरफ तो मैं शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक के लिए काम करता था, और दूसरी तरफ जब मैं घर आता था तो वहाँ मेरे डैडी होते थे जो एक नामी गवर्नमेंट लीडर थे। ये तय करना आसान नहीं था कि कौन सही बोल रहा है और किसकी बात पर मुझे भरोसा करना चाहिए। पर जब आप टैक्स की हिस्ट्री को स्टडी करते हैं तो एक दिलचस्प पहलू सामने आता है। जैसा मैंने कहा कि टैक्स का लागू होना सिर्फ इसलिए संभव हो सका क्योंकि जनता रॉबिनहुड के इकोनॉमिक प्रिंसिपल में भरोसा करती थी, जिसमें अमीरों से लेकर बाकी सब में बांट दिया जाता है। प्रॉब्लम ये थी कि गवर्नमेंट की पैसे की भूख इतनी बढ़ गई कि जल्द ही मिडिल क्लास पर भी टैक्स लगाने की नौबत आ गई, और वहां से धीरे धीरे टैक्स का बोझ नीचे की तरफ आता गया। दूसरी तरफ अमीरों ने इसे एक मौके की तरह देखा। वे उन्हीं रूल्स से नहीं खेलते हैं जिनसे पब्लिक खेलती है। जैसा मैंने बताया है, अमीर पहले ही कॉर्पोरेशंस के बारे में जानते थे जो पानी के जहाजों के दिनों में पॉपुलर हुए थे। अमीरों ने हर समुद्री यात्रा के असेट के रिस्क को लिमिटेड करने के लिए कॉर्पोरेशन का इस्तेमाल किया। अमीर लोग हर समुद्री यात्रा के लिए पैसे जुटाने के लिए कॉर्पोरेशन में अपना पैसा डालते थे, फिर ये कॉर्पोरेशन न्यू वर्ल्ड में खजाने की खोज के लिए सेलर्स को भर्ती करता था। अगर जहाज डूब जाता था तो सेलर्स की जान जाती थी, पर अमीर लोगों को सिर्फ इतना ही नुकसान होता था कि उनका वो पैसा डूब जाता था जो उन्होंने समुद्री यात्रा के लिए दिया था। इस कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, आपने इंडिया में पब्लिक लिमिटेड कंपनी का नाम सुना होगा। इसमें लिमिटेड शब्द का मतलब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए अगर आप एक लिमिटेड कंपनी नहीं खोलते हैं और नॉर्मली बिजनेस करते हैं, और इस केस में अगर आपसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, जैसे कि अनजाने में आपके एम्प्लॉयज की काम करते हुए जान चली जाती है, तो इस केस में आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी जैसे कि आपका घर भी उन्हें कॉम्पनसेशन देने के लिए जा सकता है। लेकिन वहीं पर अगर आप एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी खोलते हैं तो मैक्सिमम लॉस जो आपका हो सकता है वो आपका आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है। यानी अगर आपने अपने बिजनेस में से 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए हैं तो आपसे 10 लाख रुपीज ही मैक्सिमम लिए जा सकते हैं, यानी आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है। अमीर लोग किस तरह का खेल खेलते हैं? कॉर्पोरेशन के कानूनी ढांचे यानी लीगल फ्रेमवर्क की नॉलेज की वजह से अमीरों को गरीब और मिडिल क्लास की तुलना में बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। मुझे दो डैडियों ने सिखाया है जिनमें से एक सोशलिस्ट थे और दूसरे कैपिटलिस्ट। मुझे जल्दी ही ये महसूस हुआ कि कैपिटलिस्ट को पैसे की ज्यादा समझ होती है। मुझे ऐसा लगा कि पैसे की नासमझी के कारण सोशलिस्ट आकर खुद को ही सजा देते हैं। अमीरों से वसूलों का नारा लगाने वाली भीड़ चाहे जितना जोर लगा ले, अमीर लोग उनसे जीतने का रास्ता हमेशा ढूंढ निकालते हैं। इसी कारण टैक्स आखिरकार मिडिल क्लास पर जाने लगे। अमीरों ने इंटेलेक्चुअल्स को अपनी बुद्धि से हरा दिया, सिर्फ इस कारण क्योंकि वे पैसे की ताकत को जानते थे, और ये सब्जेक्ट स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। अमीर लोगों ने इंटेलेक्चुअल्स को किस तरह हराया? एक बार अमीरों से वसूलों का कानून पास हुआ तो गवर्नमेंट की तिजोरी में पैसा आने लगा। पहले तो वो लोग इस बात से खुश हुए कि पैसा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और अमीरों को दिया जाने लगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के पास ये पैसा जॉब और पेंशन के रूप में आ गया। अमीरों के पास ये पैसा उनकी फैक्ट्रियों के जरिए मिले गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से आया। गवर्नमेंट के पास ढेर सारे पैसे थे पर उस पैसे को ठीक से मैनेज नहीं किया जा रहा था। दूसरे शब्दों में, अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और अगर किसी एक साल गवर्नमेंट ने आपको कुछ पैसे दिए हैं काम करवाने के लिए, लेट्स से कि आप एक सिविल इंजीनियर हैं और आपको एक बिल्डिंग बनाने के लिए 10 करोड़ रुपए दिए गए, अगर आप इन पैसों को पूरा खर्च नहीं कर पाते हैं तो अगली बार आपके डिपार्टमेंट को कम पैसे दिए जाएंगे। इसीलिए एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हमेशा कोशिश करेगा कि वो सारा पैसा खर्च करे, बेशक उतने पैसों की असली में जरूरत भी ना हो।
दूसरी तरफ बिजनेस में पैसे बचाने के लिए इनाम मिलता है और ऐसा करने पर आपको काबिल माना जाता है। जब बढ़ते हुए गवर्नमेंट खर्चों का ये साइकिल चलता रहा तो पैसे की मांग बढ़ी और अमीरों से टैक्स वसूलों के विचार में अब कम अमीर लोगों को भी शामिल कर लिया गया और इस तरह गवर्नमेंट इतनी नीचे आ गई कि वे गरीब और मिडिल क्लास लोग भी टैक्स के दायरे में आ गए जिन्होंने इसके लिए वोट दिए थे। सच्चे कैपिटलिस्ट यानी कि पूंजीपतियों ने बचने का तरीका खोजने के लिए अपनी पैसे की समझ का इस्तेमाल किया। वे कॉरपोरेशन की सुरक्षा में चले गए यानी कि वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज खोलने लग गए जिसके लिए टैक्स रूल्स अलग थे। कॉरपोरेशन अमीर लोगों को सुरक्षा देता है पर कई लोग जिन्होंने कभी कॉरपोरेशन नहीं बनाया ये नहीं जानते कि कॉरपोरेशन जैसी भी कोई चीज होती है। मैक्सिमम लोग कंपनीज यानी कॉरपोरेशन को बड़ी बिल्डिंग समझते हैं लेकिन ये सिर्फ फाइल का एक फोल्डर होता है जिसमें कुछ लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं और जो स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसी में रजिस्टर होकर किसी वकील के ऑफिस में रखा होता है। ये कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं होती जिसके बाहर कॉरपोरेशन का नाम लिखा होता है। ये कोई फैक्ट्री या लोगों का ग्रुप भी नहीं होता। कॉरपोरेशन सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो एक ऐसी लीगल बॉडी बना देता है जिसकी कोई आत्मा नहीं होती। अमीरों के एसेट एक बार फिर से सेफ हो गए। एक बार फिर कॉरपोरेशन का इस्तेमाल करना पॉपुलर हो गया। ये परमानेंट इनकम टैक्स लॉ के पास होने के बाद हुआ क्योंकि कॉरपोरेशन के लिए इनकम टैक्स का रेट पर्सनल इनकम टैक्स के रेट से कम था। इसके अलावा जैसा पहले बताया जा चुका है कॉरपोरेशन द्वारा कुछ खर्च टैक्स चुकाने से पहले किए जा सकते हैं। अमीरों और गरीबों के बीच की लड़ाई सदियों से चली आ रही है। अमीरों से वसूलों का नारा लगाने वाली भीड़ अमीरों के हमेशा खिलाफ रही है। ये लड़ाई तब छिड़ती है जब लॉ बनते हैं और ये लड़ाई अनंत काल तक चलती रहेगी। प्रॉब्लम यह है कि जो लोग हारते हैं उनमें समझ की कमी है। हारने वाले वो लोग हैं जो हर सुबह उठकर तैयार होते हैं और अपने जॉब में कड़ी मेहनत करते हैं और उस पर टैक्स देते हैं। अगर वे ये समझ पाते कि अमीर लोग किस तरह से पैसे का खेल खेलते हैं तो वे भी इस खेल को उसी तरह से खेल सकते हैं। फिर वे भी पैसे से आजाद हो सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। इसलिए मैं हर बार शॉक्ड हो जाता हूँ जब भी मैं किसी को अपने बच्चे को ये सलाह देते सुनता हूँ कि स्कूल जाओ ताकि सिक्योर जॉब मिल सके। जिस एम्प्लॉय में पैसे की समझ नहीं है वो बच नहीं सकता चाहे उसकी जॉब कितनी भी सिक्योर क्यों ना हो। एवरेज अमेरिकी आदमी आज गवर्नमेंट को 50% का टैक्स देता है यानी एक साल में अगर वो 12 महीने काम कर रहा है तो उसमें से उसने 5 से 6 महीनों तक सिर्फ गवर्नमेंट के लिए काम किया ताकि वो टैक्स चुकाने के लिए पैसे जमा कर सके। मेरे विचार में इस समय बहुत ज्यादा है। आप जितनी ज्यादा मेहनत करते हैं आपको गवर्नमेंट को उतना ही ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। इसलिए मेरा मानना है कि अमीरों से वसूलों का नारा उन्हीं लोगों पर भारी पड़ गया जिन्होंने इसके लिए वोट दिया था। हर बार लोग अमीरों को सजा देने की कोशिश करते हैं। अमीर लोग चुपचाप उसका पालन नहीं करते हैं बल्कि वे पलट कर वार करते हैं। उनके पास पैसा ताकत और इरादा होता है जिनके दम पर वो चीजों को बदल सकते हैं। वे चुपचाप बैठकर अपनी मर्जी से ज्यादा टैक्स नहीं चुकाते। वे ऐसे तरीके खोजते हैं जिनसे उन पर टैक्स का कम से कम बोझ पड़े। इसके लिए वे बुद्धिमान और स्मार्ट वकीलों और अकाउंटेंट्स की सर्विस लेते हैं और पॉलिटिशियंस को मनाते हैं कि वे कानून बदलें या कानूनी बचाव के रास्ते बनाएं। उनके पास बदलाव करवाने के लिए जरूरी रिसोर्सेज होते हैं। अमेरिका का टैक्स कानून भी टैक्स बचाने के लिए कई रास्ते ऑफर करता है। इनमें से ज्यादातर रास्ते हर एक के लिए खुले हैं पर इनका फायदा आमतौर पर अमीर लोग ही उठाते हैं क्योंकि वे इनकी खोज करते हैं। पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे अपने काम से काम रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर पॉपुलर शब्द 1031 इंटरनेशनल रेवेन्यू कोड के आर्टिकल 1031 का छोटा रूप है यानी कि एक्रोनिम, जिसे यूज करके कोई भी अमेरिकन जब प्रॉपर्टी बेचता है तो वो उस कमाए गए पैसों से अगर दूसरी प्रॉपर्टी खरीद लेता है तो उसे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। रियल एस्टेट एक ऐसा कैपिटल इन्वेस्टमेंट है जो इतना बड़ा टैक्स बेनिफिट देता है। जब तक आप कम कीमत की प्रॉपर्टी बेचकर ऊंची कीमतों में बड़ी प्रॉपर्टी खरीदते रहते हैं तो आपको तब तक टैक्स नहीं देना पड़ता जब तक कि आप उसे कैश ही न रखना चाहें।
जो लोग कानून द्वारा दी गई इन छूटों यानी एग्जेम्पशंस का फायदा नहीं उठाते वे अपने एसेट वाले कॉलम को बनाने का एक बहुत बड़ा मौका खो देते हैं। गरीबों और मिडिल क्लास के पास उतने रिसोर्सेज नहीं होते, वे चुपचाप बैठे रहते हैं और गवर्नमेंट की सुइयों को अपने हाथों पर लगने देते हैं और ब्लड डोनेशन की इजाजत दे देते हैं। आज मैं ज्यादा टैक्स चुकाने वाले या कम छूट लेने वाले लोगों की संख्या से लगातार शॉक्ड होता रहता हूँ, और वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे गवर्नमेंट से डरते हैं। और मैं जानता हूँ कि गवर्नमेंट टैक्स एजेंट कितना डरावना होता है। मेरे कुछ दोस्त हैं जिनके बिजनेस बंद हो गए हैं और इसके लिए गवर्नमेंट दोषी थी, मुझे ये सब पता है। पर जनवरी से लेकर मई के पहले 15 दिनों तक गवर्नमेंट के लिए काम करना एक बहुत बड़ी कीमत है जो हम टैक्स के डर के कारण चुकाते हैं। मेरे गरीब डैडी ने कभी पलटवार नहीं किया, मेरे अमीर डैडी ने भी ऐसा नहीं किया। उन्होंने सिर्फ गेम को बुद्धिमानी से खेला और उन्होंने ऐसा कॉर्पोरेशंस के जरिए किया जो अमीरों का सबसे बड़ा सीक्रेट है। अमीर डैडी से मेरा पहला सीखा गया लेसन आपको याद होगा। मैं 9 साल का बच्चा था और मुझे उनसे बात करने के लिए बहुत समय तक इंतजार करना पड़ा था। मैं अक्सर उनके ऑफिस में बैठकर उनका इंतजार करता था। वे जानबूझकर मुझे नजरअंदाज करते रहते थे। वे चाहते थे कि मैं उनकी ताकत को पहचानूं और एक दिन खुद भी इतना ही ताकतवर बनना चाहूं। जितने भी समय तक मैं उनके गाइडेंस में पढ़ा और सीखा, उन्होंने मुझे हमेशा याद दिलाया कि नॉलेज ही ताकत है और पैसे के साथ जो बड़ी ताकत आती है उसे बनाए रखने के लिए, उसे कई गुना करने के लिए सही नॉलेज की जरूरत होती है। उस नॉलेज के बिना दुनिया आपको इधर उधर धक्के मारती रहती है। अमीर डैडी, माइक और मुझे हमेशा ये याद दिलाया करते थे कि सबसे ज्यादा डरावना इंसान बॉस या सुपरवाइजर नहीं होता बल्कि टैक्स मैन होता है। अगर आप उसे मौका देते हैं तो टैक्स मैन हमेशा आपसे ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूल कर लेगा। मैं पैसे के लिए काम न करूं, मेरा ये पहला लेसन दरअसल ताकत के बारे में है। अगर आप पैसे के लिए काम करते हैं तो आप ताकत को अपने बॉस के हाथ में दे देते हैं। अगर आपका पैसा आपके लिए काम करता है तो आप ताकत को अपने पास रखते हैं और उसे काबू में रखते हैं। एक बार हमें हमारे लिए काम करने वाले पैसे की ताकत का ज्ञान हो जाए, फिर हमें पैसे के लिहाज से स्मार्ट हो जाना चाहिए और हमें डराने वाले लोगों से डील करने के रास्ते ढूंढ लेने चाहिए। इसके लिए आपके पास कानून की समझ होनी चाहिए और इस बात की भी कि सिस्टम कैसे काम करता है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आपको आसानी से डराया जा सकता है। अगर आप जानते हैं कि आप क्या बात कर रहे हैं तो आपके पास बचने का मौका होता है। इसीलिए अमीर डैडी स्मार्ट टैक्स अकाउंटेंट्स और वकीलों को इतनी ज्यादा सैलरी देते थे। वकीलों को सैलरी देना गवर्नमेंट को टैक्स देने से सस्ता था। मेरे लिए उनका बेस्ट लेसन था स्मार्ट बनो ताकि तुम्हें इधर उधर धक्के न दिए जा सके, और मैंने जिंदगी भर इसे अपनाया है। वे कानून जानते थे क्योंकि वे कानून का सम्मान करते थे। वे कानून जानते थे क्योंकि कानून के बारे में न जानना बहुत महंगा साबित हो सकता है। अगर आप जानते हैं कि आप सही हैं, तो आप किसी से भी उलझने से डरेंगे नहीं, चाहे आपका मुकाबला रॉबिन हुड और उसके गिरोह से ही क्यों ना हो। मेरे पढ़े लिखे डैडी मुझे हमेशा एनकरेज करते थे कि मैं किसी अच्छे कॉर्पोरेशन में बढ़िया सी जॉब खोजूं। वे मुझे हमेशा उन अच्छाइयों के बारे में बताते थे जो कॉर्पोरेट सीढ़ी पर चढ़ने से हासिल की जा सकती है। वे ये नहीं समझ पाते थे कि कॉर्पोरेट एम्प्लॉयर से मिलने वाली सैलरी के चेक पर पूरी तरह डिपेंडेंट रहने से मैं उस कॉर्पोरेशन के लिए एक दूध देने वाली गाय बन जाता। जब मैंने अपने अमीर डैडी को अपने डैडी की सलाह बताई तो वे सिर्फ हंसे। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि कॉर्पोरेट की सीढ़ी क्यों चढ़ना, पूरी सीढ़ी का ही मालिक क्यों ना बना जाए। बचपन में मुझे समझ नहीं आया था कि अपने कॉर्पोरेशन के मालिक होने से अमीर डैडी का क्या मतलब था। एक ऐसा विचार था जो नामुमकिन और डरावना लग रहा था। हालांकि मैं इस विचार से एक्साइटेड था, पर मेरी कम उम्र में मैं संभावना पर सोच ही नहीं पा रहा था कि बड़े लोग किसी दिन मेरी कंपनी में काम करेंगे। मुद्दे की बात यह है कि अगर अमीर डैडी नहीं होते तो मैं अपने पढ़े लिखे डैडी की सलाह को फॉलो कर रहा होता। मेरे अमीर डैडी के बार बार याद दिलाने के कारण ही मेरे अपने कॉर्पोरेशन का आइडिया जिंदा रहा और ये मुझे एक अलग रास्ते पर चलाता रहा। जब मैं 15 या 16 साल का था
तो मैं ये जानता था कि मैं उस रास्ते पर नहीं चलने वाला जो मेरे पढ़े लिखे डैडी ने बताया है। मैं नहीं जानता था कि मैं ऐसे किस तरह करूंगा, पर मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि मैं भीड़ के साथ नहीं चलूंगा और उस दिशा में नहीं जाऊंगा जिस तरफ मेरी क्लास के साथी जा रहे थे। इस फैसले ने मेरी जिंदगी बदल दी। जब तक मैं 25 साल का हुआ तब तक मेरे अमीर डैडी की सलाह मुझे पूरी तरह से समझ नहीं आई थी। मैंने हाल ही में मरीन कॉर्प्स छोड़ी थी और मैं जेरोक्स के लिए काम कर रहा था। मुझे बहुत पैसा मिल रहा था, पर हर बार जब भी मैं अपने सैलरी के चेक को देखता था तो मुझे हमेशा निराशा होती थी। कटौतियां यानी डिडक्शन इतना ज्यादा था और जितना ज्यादा मैं काम करता था कटौतियां उतनी ही ज्यादा होती थी। जब मैं ज्यादा सक्सेसफुल होने लगा तो मेरे सीनियर बॉस मेरे प्रमोशन और सैलरी बढ़ाने की बातें करने लगे। ये सुनने में अच्छा लगता था, पर मैं अपने कानों में अपने अमीर डैडी की यह आवाज भी सुन सकता था। तुम किसके लिए काम कर रहे हो? तुम किसे अमीर बना रहे हो? 1974 में जेरोक्स के एम्प्लॉय के रूप में ही मैंने अपना पहला कॉरपोरेशन बनाया और अपने काम से काम रखना शुरू कर दिया। पहले से ही मेरे एसेट वाले कॉलम में कुछ प्रॉपर्टी मौजूद थी, पर अब मैंने ठान लिया था कि उन्हें ज्यादा बढ़ाया जाए। डिडक्शन वाली सैलरी को देख देख कर मुझे अमीर डैडी की सलाह में समझदारी दिखने लगी थी। अगर मैं अपने पढ़े लिखे डैडी की सलाह पर चलता तो मुझे अपना भविष्य साफ नजर आ रहा था। कई एम्प्लॉयर ये अनुभव करते हैं कि अगर एम्प्लॉय अपने काम से काम रखें तो ये उनके बिजनेस के लिए बुरा होता है। मुझे विश्वास है कि ऐसा कुछ लोगों के साथ हो सकता है, पर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था। एक बार मैंने अपने काम से काम रखने की ठान ली और अपने एसेट बढ़ाना शुरू कर दिए तो मैं एक बेहतर एम्प्लॉय बन गया। मेरे पास अब एक गोल था। मैं सुबह जल्दी आ जाता था और मेहनत से काम करता था और इस तरह ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाता था ताकि मैं उसे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकूं। हवाई में उस समय कीमतें तेजी से बढ़ रही थी और वहाँ किस्मत चमकाई जा सकती थी। जितना ही ज्यादा मुझे ये लगा कि वहाँ इन्वेस्टमेंट की संभावनाएं हैं, उतनी ही ज्यादा जेरोक्स मशीनें मैंने बेची। मैंने जितनी ज्यादा मशीनें बेची मुझे उतना ही ज्यादा पैसा मिला, और हाँ मेरी सैलरी के चेक से उतनी ही ज्यादा कटौतियां हुई। ये इंस्पायर करने वाला था। मैं एम्प्लॉय होने के जाल से बाहर निकलना चाहता था और इसीलिए मैं कम मेहनत करने के बजाय ज्यादा कड़ी मेहनत करता था। 1978 यानी कि 1978 तक मैं सेल्स में टॉप के 5 लोगों में से एक था। मैं रेट रेस से बहुत जल्दी बाहर निकलने के लिए बेताब था। 3 साल से भी कम समय में मैं जेरोक्स की तुलना में अपने छोटे से कॉरपोरेशन से कहीं ज्यादा कमा रहा था, जबकि मेरा कॉरपोरेशन रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने वाली कंपनी थी। और वो पैसा जो मैं अपने कॉरपोरेशन में अपने एसेट वाले कॉलम में बना रहा था, वो पैसा मेरे लिए काम कर रहा था। मुझे कॉपियर बेचने के लिए दरवाजे खटखटाने की जरूरत नहीं थी। अमीर डैडी की सलाह में मुझे ज्यादा समझदारी दिख रही थी। जल्दी ही मेरी प्रॉपर्टी से आने वाला कैश फ्लो इतना ज्यादा हो गया कि मेरी कंपनी ने मेरे लिए मेरी पहली कार खरीद दी। जेरोक्स के लोगों को लगा कि मैं अपने कमीशन बेच रहा हूँ, पर मैं ऐसा नहीं कर रहा था। मैं अपने कमीशन को एसेट वाले कॉलम में इन्वेस्ट कर रहा था। मेरा पैसा और ज्यादा पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। मेरे एसेट वाले कॉलम का हर 10 रुपए का नोट एक बढ़िया एम्प्लॉय था, जिसकी कड़ी मेहनत के कारण और ज्यादा एम्प्लॉय तैयार होते थे और वो सब मिलकर अपने बॉस को एक नई कार तोहफे के रूप में देते थे, और वो भी टैक्स चुकाने के पहले। मैंने जेरोक्स के लिए ज्यादा कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया। मेरा प्लान सही तरह से चल रहा था और मेरी कार इसका जीता जागता सबूत थी। अपने अमीर डैडी से सीखे गए लेसन्स के कारण मैं उस रेट रेस के भ्रम से बाहर निकलने में कामयाब हो सका था और कम उम्र में ही एक एम्प्लॉयर बन गया था। ये पैसे की समझ से ही संभव हुआ था। इस फाइनेंशियल नॉलेज के बिना, जिसे मैं फाइनेंशियल IQ कहूंगा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के रास्ते में बहुत ज्यादा मुश्किलें आई होती। अब मैं फाइनेंशियल सेमिनारों में दूसरों को इस आशा के साथ सिखाता हूँ ताकि मैं उनके साथ अपना ज्ञान बांट सकूं। जब भी मैं लेक्चर देता हूं तो मैं लोगों को ये याद दिलाता हूं कि फाइनेंशियल IQ एक्सपर्टीज के 4 बड़े फील्ड से आने वाले नॉलेज से बनता है। नंबर 1 है अकाउंटिंग, जिसे मैं फाइनेंशियल लिटरेसी कहता हूं। अगर आप अपना एम्पायर बनाना चाहते हैं तो ये बहुत इम्पोर्टेंट स्किल है। आप जितने ज्यादा पैसों के लिए जिम्मेदार होंगे उतने ही ज्यादा बारीकी की जरूरत होगी।
नहीं तो आपका एम्पायर ताश के पत्तों के महल की तरह ढह जाएगा। ये लेफ्ट ब्रेन का पहलू है जिसमें डिस्क्रिप्शन या बारीकी की जरूरत है। फाइनेंशियल लिटरेसी वो काबिलियत है जिसके सहारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ा और समझा जा सकता है। इस एबिलिटी से आप किसी भी बिजनेस की कमजोरियों और मजबूतियों को पहचान सकते हैं। नंबर दो है इन्वेस्ट करना, जिसे मैं पैसे बनाने का साइंस कहता हूँ। इसमें टेक्निक, स्ट्रेटजी और फार्मूला की जरूरत होती है। ये ब्रेन का राइट पहलू है, यानी कि क्रिएटिव पहलू। नंबर तीन है मार्केट की समझ, डिमांड और सप्लाई का साइंस, यानी कि मार्केट के टेक्निकल पहलुओं को जानने की जरूरत है, जो कि इमोशंस द्वारा चलाए जाते हैं। मार्केट का दूसरा एलिमेंट इन्वेस्टमेंट की फंडामेंटल या फाइनेंशियल समझ है। क्या किसी इन्वेस्टमेंट पे समझदारी है या मार्केट की करंट सिचुएशन के हिसाब से ऐसा करना ना समझी है? कई लोग ये सोचते हैं कि मार्केट को समझना या इन्वेस्टमेंट के कॉन्सेप्ट बच्चों को समझ नहीं आएंगे, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। वे ये नहीं देख पाते कि बच्चे इन सब्जेक्ट्स को एक्सपीरियंस से समझ लेते हैं। जो लोग एल्मो डॉल के बारे में नहीं जानते होंगे, उनके लिए ये एक सीसम स्ट्रीट कैरेक्टर थी, जिसे क्रिसमस के पहले बच्चों में खूब प्रमोट किया गया था। लगभग सभी बच्चे इसे खरीदना चाहते थे और अपनी क्रिसमस की लिस्ट में उन्होंने इसे सबसे ऊपर रखा था। पर क्रिसमस के लिए इसका एडवर्टीजमेंट करने के बाद जब ये मार्केट से गायब हो गई, तो कई लोग ये सोचने लगे कि कंपनी ने जानबूझकर तो इसे गायब नहीं कर दिया है। इसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी और सप्लाई बहुत कम, इसलिए मार्केट में भगदड़ और हड़बड़ी का माहौल बन गया। स्टोर्स में जब खरीदने के लिए कोई डॉल नहीं बची, तो दुकानदारों और दूसरे खिलौने बनाने वालों ने इसमें प्रॉफिट कमाने का मौका देखा। जिन्हें डॉल नहीं मिल पाई थी, वे बेचारे मम्मी डैडी क्रिसमस के लिए कोई दूसरा खिलौना खरीदने के लिए मजबूर हो गए। निकल में एल्मो डॉल की ये जबरदस्त पॉपुलैरिटी मेरी समझ में नहीं आई, पर ये डिमांड और सप्लाई के इकोनॉमिक्स का बढ़िया एग्जाम्पल है। यही बात स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट और बेसबॉल कार्ड मार्केट पर भी अप्लाई होती है। नंबर चार है कानून के तौर तरीकों की नॉलेज। पर अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग और मार्केट की टेक्निकल स्किल्स के सहारे कॉरपोरेशन का इस्तेमाल जबरदस्त ग्रोथ दे सकता है। कोई भी आदमी जिसे कॉरपोरेशन द्वारा दिए जाने वाले टैक्स बेनिफिट्स और सुरक्षा की नॉलेज हो, वो बहुत ज्यादा तेजी से तरक्की कर सकता है और अमीर बन सकता है, जो किसी एम्प्लॉय या छोटे बिजनेस के मालिक के लिए संभव नहीं है। इसमें उतना ही फर्क है जितना पैदल चलने वाले और उड़ने वालों में होता है। ये फर्क बहुत ज्यादा हो जाता है जब हम इसे लॉन्ग टर्म असेट के कॉन्टेक्स्ट के रूप में देखते हैं। नंबर वन, टैक्स बेनिफिट। एक कॉरपोरेशन कई ऐसी चीजें कर सकता है जो एक आदमी नहीं कर सकता, जैसे कि ये टैक्स देने के पहले खर्च कर सकता है। ये एक्सपर्टीज का एक ऐसा फील्ड है जो बहुत एक्साइटिंग है, पर इसमें अंदर तक घुसना तब तक जरूरी नहीं है जब तक कि आपका बिजनेस या एसेट बहुत बड़ा ना हो। एम्प्लॉय कमाते हैं और टैक्स चुकाते हैं, और फिर जो बचता है उससे अपना खर्च चलाते हैं। एक कॉरपोरेशन कमाता है, जितना खर्च कर सकता है करता है, और फिर बची हुई रकम पर टैक्स चुकाता है। ये अमीरों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे बड़ा कानूनी बचाव का रास्ता है। इन्हें बनाना आसान है और बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, बशर्ते कि आपके पास अपने खुद के इन्वेस्टमेंट हों जो अच्छा कैश फ्लो दे रहे हों। एग्जाम्पल के तौर पर अपने कॉरपोरेशन का फायदा ये है कि अगर आपको घूमने जाने का मन है और आपको स्विट्जरलैंड घूमने जाना है, तो स्विट्जरलैंड में लोग बोर्ड मीटिंग रख लेते हैं ताकि खर्चा कंपनी दे। कार का पेमेंट, इंश्योरेंस, रिपेयर वगैरह कंपनी खर्च में डाल दिए जाते हैं। हेल्थ क्लब की मेंबरशिप भी कंपनी खर्च है। ज्यादातर रेस्टोरेंट्स के डिनर भी पार्शियल एक्सपेंसेस हैं, और ऐसे भी बहुत से खर्च हैं जो टैक्स चुकाने के पहले किए जाते हैं। दो, कानूनी मुकदमों से सुरक्षा। हम एक लीगल सोसाइटी में रह रहे हैं। हर आदमी आपसे फायदा चाहता है। अमीर लोग अपने क्रेडिटर्स से अपने ज्यादातर असेट को छुपाने के लिए कॉरपोरेशंस और ट्रस्ट का सहारा लेते हैं। जब भी कोई किसी अमीर आदमी पर दावा ठोकता है, तो उसे ये पता चलता है कि वो कानूनी कवच से घिरा हुआ है, और दरअसल उस अमीर आदमी के पास कोई असेट है ही नहीं। वे हर चीज पर कंट्रोल रखते हैं, पर वे किसी चीज के मालिक नहीं होते। गरीब और मिडिल क्लास लोग हर चीज के मालिक होने की कोशिश करते हैं, और इसलिए जब उन पर दावा ठोका जाता है, तो वे गवर्नमेंट या अपने साथी सिटीजंस के हाथों अपनी प्रॉपर्टी खो बैठते हैं। उन्होंने रॉबिन हुड की कहानी से ये सीखा है कि अमीरों से वसूलो और गरीबों में बांट दो।
इस बुक का मकसद ये नहीं है कि कॉरपोरेशन बनाने का तरीका बताया जाए, पर मैं कहूंगा कि अगर आपके पास किसी तरह की लीगल प्रॉपर्टी हो तो आप जितनी जल्दी हो सके कॉरपोरेशन द्वारा दिए जाने वाले फायदों और सुरक्षा के बारे में जान लें। इस टॉपिक पर कई किताबें लिखी गई हैं, जो इन फायदों के बारे में डिटेल में बताती हैं और कॉरपोरेशन बनाने के लिए जरूरी स्टेप्स को भी समझाती हैं। एक बुक खास तौर पर बहुत अच्छी है जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। ये बुक कॉरपोरेशंस की ताकत को बखूबी बताती है। फाइनेंशियल आईक्यू दरअसल कई स्किल्स और क्वालिटीज को मिलाकर बनता है। मैं तो यही कहूंगा कि ये ऊपर बताई गई चार टेक्निकल स्किल्स का कॉम्बिनेशन है जो बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज का आधार है। अगर आप बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो इन स्किल्स के कॉम्बिनेशन से आपका फाइनेंशियल नॉलेज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इन शॉर्ट, कॉरपोरेशन के मालिक अमीर लोग पहले कमाते हैं, फिर खर्च करते हैं, फिर टैक्स चुकाते हैं। कॉरपोरेशन में काम कर रहे मिडिल क्लास या एम्प्लॉयज पहले कमाते हैं, फिर पहले टैक्स देते हैं और फाइनली बचे हुए पैसों को खर्च करते हैं। आपकी पूरी फाइनेंशियल स्ट्रेटजी के लिए हम आपके एसेट के चारों तरफ कॉरपोरेशन का कवच लपेटने की बहुत ज्यादा सलाह देते हैं। और इस चैप्टर और इस लेसन को कंप्लीट करने के बाद बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट लेसन यही है कि अमीर लोग पैसे को इन्वेंट करते हैं।